जीवन में सबसे आगे निकलना चाहिए। वो तो औरों से काफ़ी आगे निकल गया है। सबसे आगे निकलो गाइस, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हमें रोज़ लाइफ में बोलने होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को आज हम इंग्लिश में सीखेंगे। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है आगे निकल जाना। आगे निकल जाना इसे हम इंग्लिश में कहते हैं गेट अहेड ऑफ, गेट अहेड ऑफ। चलिए इसका कॉम्प्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देने गेट अहेड ऑफ, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट पे अदर वर्ब्स। मैं आपको बता दूं अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं, टेंस के हिसाब से। और भी एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो गेट देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा, जैसा कि गेट्स, गॉट, गॉटन, ये सब। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इसे और भी बेहतर समझते हैं। जीवन में सबसे आगे निकलना चाहिए। वी शुड गेट अहेड ऑफ एवरी वन इन लाइफ, वी शुड गेट अहेड ऑफ एवरी वन इन लाइफ। वो तो औरों से काफी आगे निकल गया है। He has got ahead of others. He has got ahead of others. कठिन परिश्रम करके तुम सबसे आगे निकल सकते हो। You can get ahead of everyone by working hard. You can get ahead of everyone by working hard. सबसे आगे निकलो। Get ahead of everyone. Get ahead of everyone. वो क्लास में सबसे आगे निकल गया। He got ahead of everyone in the class. He got ahead of everyone in the class.